किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों आपके लिए लेकर के आया हूं गूंद की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा गांव के अंदर आज भी ये परंपरा है, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो शरीर को ताकत बलवान स्फूर्तिवान बनाने के लिए गूंद है उसको घी के साथ पका करके और जमाया जाता है, या यूं कहते हैं कि जमावना बनाते हैं और उसको फिर महीने डेढ़ महीने तक खाते हैं। तो वो गूंद आपको आता कहां से है, प्योर की क्या पहचान है, प्योर गूंद आपको कैसे मिल सकता है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, आज मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में हूं, शिमला से थोड़ा साइड में, और यहां पर आप देख सकते हैं कितने विशाल का पेड़ है। यहीं से वो अपने को वो गूंद मिलता है, और मिलता कैसे है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भाई साहब को कहूंगा थोड़ा नजदीक लेकर के आए। ये जैसे पेड़ है, इसका पेड़ है, इसका तो छाल है उसको थोड़ा हटा दिया जाता है, और इसका फ्लोएम या जाइलम जो है, उस फ्लोएम को हटाने के बाद जाइलम जो बचता है इसके अंदर कट लगाए जाते हैं, ठीक ऐसे जैसे आप देख सकते हैं ये लगा रखे हैं, और उसके बाद एक कट सीधा लगा दिया जाता है ताकि इनमें जो गूंद है या इसका जो रस है वो आए और आने के बाद इस कीप के अंदर भर जाए। इसमें कीप के अंदर पहले से स्टोक हुआ है, वो भी मैं भाई साहब को कहूंगा नजदीक से दिखाए कि प्योर गूंद कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं इन कटों के अंदर भी जैसे जैसे तैयार हो रहा है वो इसमें झर करके नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद इस कीप में सारा स्टोक हो जाता है। उसके बाद यहां से जैसे ये कीप भर जाती है इसको निकाल लिया जाता है। आगे जैसे जैसे ठंड आएगी, सर्दी आएगी, वैसे वैसे ये ठोस होता चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर किस तरीके का ये बना हुआ है। ये देखिए आप, ये एक प्योर गूंद की पहचान है। इसका रंग भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पारदर्शी व्हाइट, और इसको जैसे आप घी के साथ पका के खाते हैं तो शरीर को काफी ज्यादा स्फूर्ति और ताकत प्रदान करता है। तो ये पेड़ जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफी सारे पेड़ यहाँ पर हैं, उनकी ऊंचाई देखिए आप, एकदम सीधे पेड़ है, और यूं कह सकते हैं कि यहाँ की जो वादियां हैं इन्हीं की वजह से खूबसूरत लगती है। ये कह सकते हैं कि हिमाचल एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ राज्य है, और यहाँ के लोग इन्हीं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेब की खेती होती है, एप्पल फार्मिंग, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पे पैदा होते हैं, शिलाजीत वगैरह भी यहाँ पे मिलती हैं। तो यूं कह सकते हैं कि काफी अच्छा एक स्टेट हो पाती है, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सेब हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे खूब मिलती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस साइड, भाई साहब को कहूंगा थोड़ा लेकर के आए कैमरा। और जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा अच्छी जो मुझे लगी, ये कीप आप देख सकते हैं बिल्कुल भर करके तैयार हो चुकी है, और इसको मैं अगर दिखाना चाहूं अगर आपको हाथ से, तो ये देखिए आप, ये मेरी उंगली पे भी लगा हुआ है, ये एकदम प्योर गूंद है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और हालांकि कुछ एक लोग अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इसका महंगा रेट होता है, तो इसमें कुछ चीजें मिलावट कर देते हैं ठोस बनाने के लिए, लेकिन प्योर गूंद आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसा होता है, और कहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये पेड़ों पे लगता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप कट लगे हुए देख पा रहे हैं, हालांकि वो ताजा लगाए गए थे और ये पुराना है, और जैसे जैसे इनमें से जो रस निकलता है, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जरे हुए के निशान भी पड़े हैं अभी तक व्हाइट रंग के, और उसमें आकर के स्टोक हो जाता है। और ये कीप जैसे भरी पड़ी है, जैसे जैसे आगे ठंड पड़ेगी वैसे वैसे ठोस हो जाएगा, यानी इसके अंदर जम जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे झर करके एकदम तैयार हुआ है, और ये एक प्योर गूंद है, इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अगर यहां से आप लेके जाते हैं तो बिल्कुल प्योर आपको मिलेगा, खाने में भी काफी अच्छी चीज है। तो किसान भाइयों, इन पेड़ों को देखने के बाद आपके मन में आया होगा कि इनके अंदर ये कीप लगाई कब जाती है, और कितने दिनों में भर जाती है, किस प्रकार से तैयार होता है। तो तैयार होने की प्रक्रिया हमने आपको बता दी कि इसका जो पेड़ का तना है इसके अंदर इस तरीके से कट लगाए जाते हैं, और ताकि जो इसका गूंद है, इसका जो रसीला पदार्थ है, वो नीचे की तरफ बह करके इन कीपों के अंदर स्टोर हो जाए। एक कीप जो लगाई जाती है लगभग एक महीने के अंदर ये भर जाती है, उसके बाद इसको हटा देते हैं और दूसरी जगह कट लगा करके चले जाते हैं, यानी इसके अंदर कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं है कि यहाँ पे जैसे कोई नुकसान हो जाएगा। अगर कोई मनुष्य आए वो इसमें से कुछ निकाल ले तो बात अलग है, बाकी कोई वन्य जीव वगैरह है वो इसके अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। किसान साथियों, एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि जो काठ की लकड़ी के बनाने वाले जो खाती है जांगिड लोग हैं वो इस तरीके की चीजें बनाते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको तैयार किया गया है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है, और देखने में आपको अनानास की तरह एक फल लग रहा है, लेकिन ये इसी पेड़ के ऊपर लगता है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन घरों में डेकोरेशन के तौर पर लोग, अमीर लोग इसको रखते हैं, और बनावट ऐसी है कि इसको देखने के बाद ये लगता है कि वास्तव में किसी कारीगर ने बहुत ही टाइम लगा करके इस चीज को तैयार किया है, लेकिन ये नेचुरल है, इसी पेड़ पे लगता है, और यहाँ पे खूब सारे जड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, इस साइड पड़े भाई साहब दिखाइए आप, हर एक पेड़ के नीचे इस तरीके की चीजें पड़ी हुई है। इनका कोई यूज है नहीं वैसे, लेकिन इसको सजावट के रूप में आप अपने घरों में इस तरीके से रख सकते हैं। देखने को वाले को ये लगेगा कि काफी टाइम की मेहनत के बाद इस तरीके की चीजें तैयार की गई है, और ये काफी कॉस्टली भी होगा, लेकिन ये यहाँ से आप बिल्कुल फ्री भी ले सकते हैं।
तो ये थी गोंद की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको इस संबंध में और कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई डाउट शंका या सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।